नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सिंह छोटा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है हाल ही कारोबार, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रमुख सावर प्रसाद जी बूदिया हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सावर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। राधे राधे। जी क्या कहेंगे वर्तमान के जो हालात है उसको लेकर आपकी क्या राय है जी? वर्तमान की हालत कपड़ा बाजार की कोई खराब नहीं है। कोरोना के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आई थी और अब बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। सूरत के भी बाजार 7 बजे तक खुलने शुरू हो गए, ऑल इंडिया में भी खुलने शुरू हो गए और धीरे धीरे ऑर्डर आ रहे हैं तो सुधार हो जाएगा। कोई ऐसे डरने वाली या घबराने वाली बातें नहीं लग रही जी। पूजा जी, आज आपकी संस्था कपड़े मार्केट में एक अग्रणी संस्था है और पिछले 4 सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे, सब लोग बोल रहे हैं कुर्सी पे चिपक गए हैं बुजे जी। सही है, संविधान में हमारे संविधान में 4 बरस का प्रावधान है, 4 बरस तक एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक बोर्ड रहेगा। और मार्च में ये पूरा हो गया, लेकिन मार्च के बाद कोरोना चालू हो गया, कोरोना के अंदर हम लोग नहीं कर पाए। और अब तैयारी है, बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी, इलेक्शन हो रहे हैं। व्यापारियों के लिए जो ही संस्था चालू हुई SGDTA, सूरत GST का एक मुद्दा आ गया था, बड़ा भारी मुद्दा था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले तो 1 साल तो हम लोग उसी में निकल गया। बहुत बार हम दिल्ली गए, गांधीनगर गए, सब जगह लग फिर के वो काम करवाया गया, सरलीकरण कराया गया और उसमें लगे। उसके बाद व्यापारियों का काम है व्यापार में आने वाली परेशानियाँ, जैसे ट्रांसपोर्ट वालों से परेशानी आई, जैसे वो पेमेंट के लेट लतीफ चल रही है, गुड्स रिटर्न की प्रॉब्लम आई, स्टाफ के बारे में प्रॉब्लम आई, ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया गया और सभी लोग मजबूती से साथ में आए जी। क्या लगता है बुधिया जी, मार्केट में अब ऐसी कौन सी समस्याएं रह गई है जिसको लेकर आप लोग अब वर्क करेंगे, कौन कौन से मुद्दों पर आपको उस मुद्दों को प्रमुखता से उठाओगे? देखिए, वैसे तो कोई भी समस्या नहीं है, डेवलपमेंट ही करना है, व्यापारियों को बार 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 प्रेरित करना है, संस्था का काम है प्रेरित करना। और समय समय पर अगर कोई असुविधा आती है तो संगठन समाज से सरकार से जहां भी बात करनी है वहां करता है और करेगा जी। जी, वैसे तो सूरत है ना, साड़ी के नाम से पूरे देश में विख्यात है, यदि अपने को पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, यदि अपने को विदेशों में यदि कंपटीशन करके अपना कपड़ा कारोबार बढ़ाना है तो अपने को नई टेक्नोलॉजी, नए हिसाब का जो कपड़ा जो आज गारमेंट है, कुर्ती उद्योग है, ड्रेस है, ये पूरे देश विदेश में बिकता है, लेकिन अपने पास में न तो स्किल डेवलपमेंट है न उस हिसाब की बड़ी मशीनरी है, कैसे होगी, कैसे पहचान बनाएंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो आपकी संस्था में फिर क्या काम करें? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी खाली साड़ी सूरत में नहीं बनती है, और साड़ी जो बनती है वो ज़्यादातर हिंदुस्तान में हमारे भारत में ही बिकती है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ गारमेंट्स, फैब्रिक्स, पर्दा, लाइक्रा और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चालू हो गए हैं। ये सारे देश से विदेश भी जाते हैं। विदेश जाने के लिए एक सरकारी नीतियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे विदेश से जो यार्न आता है, हमने सरकार से कई बार रजूआत करी है कि भाई आप यार्न पे से एंटी डंपिंग हटाइए, यार्न को सस्ता आने दीजिए, फैब्रिक जो अगर बाहर से आ रहा है उसके ऊपर एंटी डंपिंग लगाइए ताकि फैब्रिक बाहर से नहीं आवे, और तब हमारा माल सस्ता पड़ेगा और विदेश जाएगा। बहुत कोशिश जारी है, लेकिन थोड़ी सी सरकारी सहायता की दरकार है इसमें। और डेवलपमेंट की बात आपने करी, स्किल डेवलपमेंट की बात करी, तो ऐसा कोई साधन अभी तक है नहीं जहाँ स्किल डेवलपमेंट हुए। लोग अपनी मेहनत करके अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से DNA डेवलप करते हैं, आइटमें बनाते हैं और सक्सेस कर रहे हैं, बहुत कुछ सक्सेस हुआ है। इसके लिए सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं और करेंगे कि भाई स्किल डेवलपमेंट का कोई विभाग बना के देवे जिससे हो, क्योंकि
अभी यदि किसानों की बात करें तो उनके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यदि बंदा हॉस्पिटलाइज है ना, जैसे मेडिकल लाइन में जाना चाहे तो उसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो आज ये दो सेक्टर से यदि तीसरा कोई बड़ा सेक्टर माना जाए तो वो है कपड़ा। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं, इसके लिए कोई बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने करी है और इस विषय में हम भी सरकार का ध्यान दौड़ाएंगे। और यूनिवर्सिटी अगर बनती है तो टेक्सटाइल में सभी लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो टेक्निकल बातों को जानते हैं, अगर वहाँ टेक्निकल बातें मालूम पड़े यूनिवर्सिटी में लोग सीखें तो उनको बहुत फायदा होगा और अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा। उससे कॉस्टिंग में फायदा होता है, डिजाइन डेवलपमेंट में फायदा होता है। तो ये बात रखी जाएगी और बात आपने कही है और हम आगे भी बहुत जल्दी इसको ले जाएंगे। जी बुधिया जी, जैसे अभी पिछले 3 सालों में मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार टेक्सटाइल को एक नया आयाम मिला है, वहाँ टेक्सटाइल के लिए एक अलग मंत्रालय है। तो क्या गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, यानी ऐसे कई जगह है जहाँ पर टेक्सटाइल बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं टेक्सटाइल का अलग मंत्रालय बने? सही बात है, इसके बारे में प्रयास किया जाना चाहिए, करेंगे, बहुत जरूरी है। अभी जो बजट आ रहा है, जैसे अभी जो बजट आ रहा है वो उद्योग में आ रहा है तो वो सभी जगह कंबाइन हो रहा है, लेकिन कपड़ा मंत्रालय को जो कपड़ा के लिए, टेक्सटाइल के लिए जो मिलना चाहिए वो बजट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अभी टेक्सटाइल के लिए मेगा पार्क का भी प्रोग्राम दिया है, उसमें 1 या 2 पार्क गुजरात में आएंगे, उसमें से 1 पार्क तो सूरत को मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से सरकार भी साथ दे रही है, लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, पूरा विभाग हो, वो सिर्फ टेक्सटाइल के बारे में सोचे। क्योंकि यूपी, जैसे यूपी में पिछले 3 साल से टेक्सटाइल का अलग से हुआ, तो 3 साल में जो टेक्सटाइल का डेवलपमेंट हुआ यूपी के अंदर वो आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो देखिए यूपी में बनारस वगैरह है, मुबारकपुर, मऊ, ये सब एरिया ऐसी है जो बहुत पुरानी डेवलप्ड है, लेकिन डिसेंट्रलाइज थी। इसको योगी जी आकर के सेंट्रलाइज कर रहे हैं और वो पहली बार टेक्सटाइल पार्क वगैरह की वहाँ योजना बना रहे हैं। सूरत तो, गुजरात तो पहले से बहुत डेवलप है, और भी डेवलप होने की जगह है, बहुत स्कोप है यहाँ पे। यहाँ के लोग, जो सूरत के लोग, सूरती लोग हैं, वो तो बहुत ही कर्मठ हैं। उसके बाद हम लोग भी आ करके यहाँ पे जो सीखे हैं, समझे हैं, तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इतनी आइटमें यहाँ बन रही है कि मैं 40 बरस पहले यहाँ पे 4-5 लाख मीटर, 7 लाख मीटर माल बनता था, आज 5 करोड़ मीटर रोज का कपड़ा बनता है सूरत में। कोई मामूली बात नहीं है, मंदी में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 5 करोड़ 6 करोड़ मीटर तक रोज तक का प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा। दूसरी बात बुधिया जी, सूरत में एक चीज देखा गया है, लोग डेवलपमेंट में और क्रिएशन में, नई क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, या लोग कॉपी में ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं देखिए, कुछ लोग क्रिएटर होते हैं, बड़े घरों के सब लोग कॉपी करते हैं, तो बड़े छोटे की बात नहीं है। कुछ लोग मेहनती होते हैं, कुछ नई चीजें आइडिया लाते हैं और उसके पीछे बजट चलता है, तो वो कोई दोष नहीं है। ये तो मैराथन है, आगे वाला दौड़ रहा है तो पीछे वाले भी चलते ही रहते हैं ना, पीछे वाले घर तो नहीं बैठ जाते, वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर किसी का कोई फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत खुशी की बात है। जी, क्या बुधिया जी आगामी दिनों में टेक्सटाइल के लिए आपके पास क्या प्लान है और क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा प्लान है, जो चल रहा है काम, वो तो अच्छा है ही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पेमेंट की है, बहुत लंबी टाइम उधार देना पड़ता है, लगता है, ये सब प्रॉब्लम है, होलसेलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। ये सब धीरे धीरे हम लोग बातचीत करके सुलझाएंगे और प्रेरित करेंगे कि भाई लंबी उधार न दो हमें, तो और बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाले मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे, और टाइम टू टाइम आते हैं तो हम सॉल्व करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश है, समय बहुत अच्छा है, कोई डरने की बात नहीं है, तो हिम्मत से और हौसले से व्यापारियों को आगे बढ़ना चाहिए, कहीं डरना नहीं चाहिए। कोरोना जैसी प्रॉब्लम के लिए हम लोग भी, अपने लोग भी मिलजुल कर लड़ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और परहेज कर रहे हैं, तो सरकार भी कर रही है, तो ये साल भर में हम लोग सब फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पूरी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, व्यापार को बढ़ाना चाहिए। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्यामा प्रसाद जी बूढ़िया जो एससीईआरटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आगे आने वाला जो समय है वो अच्छा रहेगा, आगे बढ़े और अपना व्यापार करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से लाइव जुड़ने के लिए।